Good, how are you? Okay, so firstly, congratulations. Thank you so much. The response to the trailer has been more than 2 crore views. Yes. First December mein release ho wali hai. बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं अभी किसी को बता रही थी कि हमने ये फिल्म लगभग 1.5 साल हो गया शूट किए हुए, तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, थोड़ी नर्वसनेस भी है. कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ. आई हैवंट स्लेप्ट अ विंक. different kind of look. poster की मैं बात करूँ तो काफी ऐसा लग रहा है सरस्वती माँ का look नजर आ रहा है. you saw the poster when it released, yeah. came out. what was your response? I was very happy to see it. in fact, I didn't expect this to be the poster, and this is all Anvita and her brilliant mind. and I was very excited. My parents have actually like taken a picture and they've put it in the house on the wall in the bedroom. that was quite funny. what do you want to say about Babel? first debut for Babel. he's very excited and very nervous. what do you want to say? He's a very good actor. It didn't feel like it was his first film, because I remember being on the sets of my first film and I was very nervous, so nervous that I couldn't perform. but that was not the case with him. he was really, really good and a very good good co-actor as well. like he was very supportive and very confident, I would say. So, recently, you know about the Kashmir files. there are so many things. Kashmir files have been and recently it was told that it is a propaganda. it's a. what do you want to say about this? whenever a movie comes out like Kashmir files, do you think the negativity are very strong? I think. मूवीज़ जब हम बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के और बहुत प्यार से बनाते हैं. एंड इट्स मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए लोगों को. लाइक दे शुड नॉट टेक इट टू पर्सनली और टू सीरियसली. दैट्स व्हाट आई फील. एंड आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज मुझे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए. एंड लास्टली कुछ मैसेज देना चाहूँगी ऑडियंस को अबाउट 1st December. I just want to tell everybody that please watch Kala on 1st of December. it will come out by 1:30. it's a very beautiful film. हमने बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाई है. and I'm sure everybody is going to like it. thank you. Oh, bite. Thank you. Before the film. Well, firstly, a very good movie, and you also have written a song and also acted. What do you want to say about your role and about the concept of this movie? बहुत दिल से लिखी हुई फिल्म है. अनविता जो कि बहुत पुरानी दोस्त भी है, एक लिरिक्स राइटर है, संगीत की बहुत समझ है, संगीत की दुनिया में एक फिल्म बनाई है. और मुझे मौका मिला एक लिरिक्स राइटर बनने का 1940 की एक कहानी में. सो मैं तो बहुत थ्रिल्ड हूँ, क्योंकि मैं असल ज़िंदगी में भी लिरिक्स राइटर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ी. बस मीटर ठीक करना था कला का, तृप्ति जो प्ले कर रही है कैरेक्टर, उसका मीटर ठीक करना था, थोड़ा सा डायलेक्ट ठीक करना था, ये सब तो मुझे मज़ा आता करने में. तो मुझे लगता है कि बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है, बहुत सुंदर म्यूज़िक है फिल्म का, बहुत सुंदर कहानी है, तो आई एम श्योर आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी. वरुण के किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे, किस तरह का रोल आपके किरदार देखेगा? अच्छा, मेरा किरदार जो है वो एक लिरिक्स राइटर का है 1940 के दशक में.
तो बड़ा सेंसिटिव सा इंसान है, बहुत अच्छी लिरिक्स लिखता है, क्योंकि फिल्म में जो मैं लिरिक्स लिख रहा हूँ वो असल में अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखी है, घोड़े पे सवार वो गाना। फिल्म में मैंने फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि वो मेरा जो किरदार है वो लिख रहा है, तो मुझे सारे मतलब इस फिल्म में जितने भी गीतकार असल में जुड़े हुए हैं, स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य और कौसर मुनीर और अन्विता और मैं, हम सबके गाने फिल्म में असल में मैंने लिखे हैं, तो बहुत मुझे तो खजाना मिल गया। थैंक यू। वेरी वेरी एक्साइटेड हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड देयर ओनली फ्यू आवर्स लेफ्ट नाउ फॉर कला टू ड्रॉप ऑन नेटफ्लिक्स। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि माँ का किरदार निभा रही हूँ इसीलिए लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कोई भी रोल कोई भी कैरेक्टर आप करें अगर मन से किया जाए और लॉट ऑफ हार्ड वर्क और मेहनत करके और दिल लगा के, सो आई एम श्योर इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस इन सम लेवल। सोशल मीडिया पे किस तरह के रिस्पॉन्स मिले आपके लुक को लेके, जब भी आपने तस्वीरें डाली मैं देख रहा था अलग अलग तस्वीरें आपने अपलोड की सोशल मीडिया पे, किस तरह के रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आपको मिले? बेहतरीन रिस्पॉन्स, आई फील एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से प्रमोशंस कर रहे हैं और गाने भी आ चुके हैं और ट्रेलर के साथ बहुत सारे BTS स्निपेट्स और हमारे पर्सनल फोल्डर्स में भी जो थे हम डाल रहे हैं, एंड उर्मिला मंजूश्री के जितने भी फोटोज़ मैंने डाले हैं सोशल मीडिया पे, people are very excited about the nose pins and the jewelry I have worn in the film, and I think along with the performance or concept or story jo bhi hai, production designing art music, but jo kapde aur gehne hum pehne hain wo bhi bahut pasand aayega sabko। बाबिल इज अ जेंटल बॉय, आई थिंक दैट इज द वर्ड वी आर यूजिंग फॉर हिम, नॉट अ जेंटल मैन बट अ जेंटल बॉय, एंड ही इज फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ लाइफ। वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर कला इन 2021 बिगिनिंग, और वो बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, ख़राब तौर से गुजर रहा था, ही वॉज़ इमोशनली प्रिटी डाउन एंड ही वॉज़ लाइक इन अ टर्मोइल, और हम सब मिलके बहुत कोशिश किए हैं कि शूट के अंदर या शूट स्केड्यूल के बीच में कि वो दुखी ना रहे, एंड Now I have seen him and he has matured a lot in the last 1.5 years, and he's doing a lot of good work and he is very hungry as an actor, so I would want to wish him all the best. One last question, recently Kashmir Files got a vulgar and propaganda type of comment on in Goa, what's your take on that? Whenever we make a movie इस तरह की कमेंट्स आते हैं, कश्मीर फाइल्स को जिस तरह का लोगों की तरफ से प्यार तो मिला है, बट जो रिव्यूज होते हैं जो लोगों की तरफ डिफरेंट एंगल से देखे, काफ़ी कुछ हुआ था उस मूवी को, मैंने भी देखी थी मूवी, तो
अभी भी फिर से इस तरह के कमेंट आते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमारे देश में कोई ऐसा कमेंट मुझे नहीं लगता है किया है. इट इज सम या बट इट इज सम डायरेक्टर हु हैज कम, हु इज नॉट एन इंडियन, सो आई डोंट थिंक somebody who is not an Indian will not understand the sentiment. So, social media में या ये किसी का निजी opinion है, but मुझे नहीं लगता कि अगर वो Indian होता तो ये comment करता. Thank you. It's on this side. This side? This side. बाबा का इनका इनका डीजे रुक जा रुक. हाँ जी. Firstly,
बात करूं कला की, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है, आपको ट्रेलर कितना अच्छा? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड स्पेशली द इमेजरी ऑफ द फिल्म लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दिस वुमन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई लव हर एंड सो या आई एम रियली एक्साइटेड टू सी, इट लुक्स लाइक अ वर्ल्ड यू वुड वांट टू एंटर इनटू एंड यू नो देयर इज मिस्टिक, देयर इज मिस्ट्री, देयर इज दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म टू इट, सो या प्रीटी एक्साइटेड. हाँ यार, इट्स रियली गुड, इज अ रियली गुड गाय. हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ में रेलवे मैन करके, तो वी आर को एक्टर्स, तो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम. हाँ जी, कब आएगा यार? आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक आ जाना चाहिए, बनना स्टार्ट हो गया. थैंक यू. साड़ी पहनी, हम फोटो खिंचाएंगे. मैंने नहीं पहनी साड़ी. तुम बीच में रहो ताकि तुम क्रॉप ना हो सको, मैं बता रहा हूँ तुम्हें. छोटे लोग थोड़ा मेरा हाथ आ जाएगा कंडीशन. काट नहीं पाएंगे, काट भी नहीं पाएंगे. आप ओनली यूट्यूब थी मैम, मैं बोन नहीं मित्र मैम. He is thinking you're talking about him. Waiting with bated breath. Debut? आपने न्यूज नहीं पढ़ी क्या भाई? Sorry. सॉरी, मस्ती करो, मस्ती. भाई बहुत नर्वसनेस है, बहुत नर्वस. ऑब्वियसली यार, दो साल पहले का काम है ना, और आप एज एन एक्टर बहुत ग्रो करते हो उस टाइम से, तो जब ग्रोथ हो जाती है फिर आप पहले का काम देखते हो तो आपको लगता है ना कितना कुछ और कर सकते थे. बाबी कला की मैं बात करूं, कितनी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से ये सवाल पूछा था कि दो साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी एंड स्टार्टिंग फेज यू वाज वेरी इमोशनल अबाउट योर दादा बाबा, या अबाउट योर बाबा. कितनी आज अगर रहते तो व्हाट बाबा टोल्ड यू अबाउट ही वाज लाइक, क्या कहते वो आपको इसकी? कुछ नहीं कहते, हंसते, हम घर जाते फिर चिल करते भाई, बस उनके साथ रहता मैं उनके अराउंड. रोल के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि जितना भी हमने देखा एक सिंगर जी, इंडियन भी सिंगर है, कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी इस रोल को लेके? सर, इसकी जो प्रेपरेशन थी ना, उसकी लाइफ बनाने में थी, जो स्क्रिप्ट जहाँ से स्टार्ट होती है उसके पहले से, उसके मेरी पहली मेमोरी और जगन की पहली मेमोरी दोनों को मिलाया, तो मेरी जो मेमोरीज थी और जगन की जो लाइफ हमने इमेजिन की, दोनों को जब एक साथ मिलाया
तो वो एक कैरेक्टर बन गया, तो वो मेरे अंदर बैठ गया। तो वैसे वैसे इसकी प्रिपरेशन हुई थी। और गाने का मैंने मैम से बात की थी, अनविता मैम से, और उन्होंने बोला कि सिंगर बनने की कोशिश मत करो, गाना फील करो, गा दो, हो जाएगा, हो गया। मैम मुझे रिकॉर्डिंग सेशंस में लेके जाती थी और मैं देखता था सृष्टि और हमारे कहाँ गए सर शाहिद भाई। आप क्या कहना चाहोगे बाबिल के बारे में? नहीं नहीं सर, मेरे बारे में आप पूछ रहे हो, उनके सामने तो थोड़ी बुराई करेंगे। मैं इनके पीछे इनकी तारीफ कर देता हूँ। बाबिल माशाल्लाह बहुत ही क्या बोलूँ इनके बारे में, शब्द कम है। इरफान सर ने सबसे जो बढ़िया चीज़ इनको दी, इनका जो नेचर है डाउन टू अर्थ, इतने ज़्यादा एक कलाकार को जो होना चाहिए वो नेचर इनका। और मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी बहुत गुणी माशा से रियली एंड ही इज़ वेरी गुणी ऑल्सो। और मैं इनकी आवाज़ बना, इनकी पहली फिल्म में ये ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा इतने आगे बढ़ें और अपने डैड की लगेसी को आगे लेके जाएँ और इनका काम तमाशा। जी भाई, भाई आई एम, मेरी नर्वसनेस और मेरा मतलब वो जो एक होता है ना, एक नर्वसनेस बहुत हाई है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वॉट एवर हैपन्स आफ्टर दिस ना, आई वॉन्ट टू टेल द पीपल वॉचिंग दैट आई विल ओनली ग्रो एज एन एक्टर एंड ग्रो एज अ ह्यूमन बींग एंड आई विल ऑलवेज गिव यू बेटर वर्क एंड माई नेक्स्ट परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी बेटर दैन द लास्ट वन। दैट्स थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी भाई। कौन सा सब मम्मी के साथ, मम्मा को बुलाना पड़ेगा। नहीं अभी तक नहीं आया। चल चल, ही इज गोइंग फॉर डिनर। मैं इसके पीछे खड़ा हूं। नो एक्चुअली डोंट पंच ही। अभी आपके लेफ्ट में किसके? नहीं मैं जा रहा हूँ इसको छोड़ने। वो कर रहे हैं बेचारे, अभी मैं भाग के आ गया। मैं हाँ करो करो हेलो हाय हाय
हेलो 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 आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट आई रियली लव द ट्रेलर एंड आई लव द टीम इट्स तृप्ति कमिंग बैक अगेन आफ्टर बुलबुल सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म Yeah. She is a wonderful actor and I really look forward to watching her performances. I think she really inspires me as an actor too and I'm really excited to watch her kill it in this one. Because trailer to dekha bahut acha hai and I'm also here to watch Mr. Babil. Yeah, it is. Any upcoming project for you? It's yes, on Netflix. Kathal. Yeah. Yeah. It is. Thank you.